देश को सिविल वार, सीरिया बनाने का प्रयास संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा के नेता करना चाहते। क्या कहेंगे आप? दरअसल देखिए, इस समय बात होने के लिए इसकी लगभग 23,000 करोड़ बैंक घोटाले की जो गुजरात में हुआ है, रोजगार की बात होनी चाहिए। अच्छा, बेरोजगार नौजवानों के निवाले की बात होनी चाहिए और देश तरक्की के रास्ते नहीं कर रहे। आप लोग बता, कांग्रेस वाले सुनते जाइए, सुनते जाइए, हिसाब की बात करें। भाजपा के पास राम मंदिर, भारत पाकिस्तान, जिन्ना, भाईजान, अब्बा जान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर हिजाब या सिख समुदाय की पगड़ी, क्रिश्चियन का ड्रेस पे बैन लगे, लगाना चाहती है भाजपा सरकार या संघ प्रमुख मोहन भागवत या माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री या भारत सरकार या योगी आदित्यनाथ, तो मैं मांग करता हूं कि जितने भगवा वस्त्र पहनने वाले हैं, तो स्कूल कॉलेजों में थोड़ी ना जाते हैं भगवा वस्त्र पहन के, जाते क्यों नहीं है? योगी भगवा वस्त्र पहन के पढ़ने जाता था। अच्छा, दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में जाते क्यों नहीं है? इनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। मतलब आप भगवा को हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सबके सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, स्कूल कॉलेजों में हिजाब, हर नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए, हमारे मौलिक अधिकारों की ड्रेस कोड भी होती है। स्कूल कॉलेजों में एक ड्रेस कोड भी होती है? अब ड्रेस कोड के अलावा जाएंगे क्या? कहाँ पे स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है? इंडियन आर्मी के जवान वर्दी पहनते हैं, ग्रीन होती है, किसकबरा ड्रेस होता है, पुलिस की खाकी वर्दी होती है, नेताजी लोग सफेद कुर्ता, नीला कुर्ता, पीला कुर्ता, लाल टोपी, सफेद टोपी, भगवा टोपी पहन करके घूमते हैं, ये ड्रेस कोड नहीं है। बच्चों पे एक ड्रेस कोड होता ना, आर्टिकल 25 के थ्रू, संविधान के थ्रू। अरे संविधान के थ्रू होता है, इस देश में इतने भेड़िए घूम रहे हैं, अगर औरतें या बच्चियां हमारी अपने तन को ढक के नहीं जाएंगी तो ये भेड़िए उनकी इज्जत को तार तार कर देंगे। आप हमारे प्रधानमंत्री का एक बयान सुने होंगे, कौन सा? बेटी हाँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, इन्होंने बयान दिया है। जवान फिसल जाती है? अरे फिसल कैसे जाती, उनकी जवान फिसल जाती है और पूरे देश की जवान नहीं फिसलती है? ये जो कहे वो सत्य, ये राजा हरिचंद की छठियां औलाद है, देश के प्रधानमंत्री है। अरे देश के प्रधानमंत्री हो या देश के प्रचार मंत्री हो, जब इनको झूठे बोलना है, जुमलेबाजी करनी है, बिना लिखा ये भाषण पढ़ नहीं सकते। आप लोग भी शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, स्कूल कॉलेजों में शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा मिलती है, वहाँ पे हिजाब की बात कर रहे हो आप लोग। मैंने क्या बात की है शुरू में? स्कूल खुले, पढ़ाई हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और इस देश कैसे खुशहाल हो, किसानों के मस्ती का लाभ मिले, इस देश में तमाम तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसके ऊपर तो देशद्रोह की धारा लगा करके तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। ये आतंकवादियों से संपर्क बना के रख रहा है कौन? केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल, हाँ, ये दो मुहा सांप है, नक्सलियों से इसके संबंध है। अब मुद्दे से भटक रहे हैं, बात चल रही है हिजाब की, अब देश में एक अरे भाई, आपके लिए सब कुछ छूट है, आप नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो गए तो आपके लिए सब छूट है, और देश की जनता जो है टैक्स देती है, जिसके पैसे पर 24-24 बार इस देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए आइलैंड जाते हैं, बाप के अर्थी में शामिल होने की क्षमता तो है नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर चल रहा है
और फेसबुक ट्विटर पे तो फर्जी चलता है ना सब कुछ। अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया अगर फर्जी है तो चित्रा त्रिपाठी व्हाट्सएप पे तो कोई भी कुछ लिख के डाल देगा। आप सुन लीजिए, इसका मतलब ये आप मानते हैं ना कि राहुल जी ने के बयान को तोड़ मटोड़ करके पेश किया गया था भाजपा आईटी सेल के द्वारा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा? क्या तो उन्होंने दिया ये तो नहीं दिया तो था आज का विषय, वो उस पर हो चुका है ऑपरेशन। तो ये देश कैसे खुशहाल होगा? डिस्कस का मुद्दा ये है, इस देश में शिक्षा का स्तर कैसे विकराल होगा? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री बता रहे थे तो डिग्री तो 575 लोग ले घूम रहे हैं फर्जी, कई लोग पकड़े जा रहे हैं। ये बताइए कब ये हाई स्कूल की है? इनका एक बार इंटरव्यू शुरू में राजीव शुक्ला ने लिया था जी, हाँ लिया, उसमें कहे कि मेरे पास स्कूली शिक्षा है, उसके बाद भिक्षाटन करने लगे तो कौन से यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किए? मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रचारक के दौरान कहाँ से किए? वो तो एक अलग विषय हो गया, मेरी बात अलग विषय हो गया। देश में एक माहौल बनाया जा रहा है भगवा वर्सी हिजाब का, ये माहौल देश के लिए कितना सही रहेगा? आप कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का हाथ है। मैं ये माहौल बना करके देश को सिविल वार सीरिया बनाने का प्रयास संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा के नेता करना चाहते, कांग्रेस उसको हवा दे रही है? हवा नहीं दे रही है। तो फिर क्या करें? कांग्रेस में जात धर्म किसी धर्म का कोई हो हम अपनाते हैं। प्रियंका गांधी हिजाब मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी जी का एक बयान आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुए कि मैं लड़का सुरक्षित अपनी सब इच्छा से कुछ भी पहन सकती है, बिकनी भी पहन सकती है, तो हिजाब के मुद्दे में बिकनी कहां से बीच में आ जाती है इतनी? अरे भाई हम बता रहे हैं कि जितना स्वतंत्रता का अधिकार योगी आदित्यनाथ को है, अच्छा जितना स्वतंत्रता का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री को है, जितना स्वतंत्रता का अधिकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री को है, केजरीवाल को है, उतने स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश की महिलाओं को भी है, बेटियों को भी है, समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब देश का माहौल के लिए लड़वा रहे, धर्म के लिए लड़वा रहे, ये बीजेपी का काम है, आरएसएस का काम है। ये जय श्री राम नारा कहाँ से आ गया? जय श्री राम से दिक्कत क्या है? नहीं मुझे कोई दिक्कत, भगवा पहन लेता उससे आपको दिक्कत? सीताराम बीज मंत्र है, हम इनके हिंदुज्म को स्वीकार नहीं करेंगे। राम बोलेंगे आपको क्या दिक्कत? सुनिए, हम आरएसएस और बीजेपी के हिंदुज्म को स्वीकार नहीं करेंगे, जो हमारे जो संविधान में परंपरा है और जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबो विश्व, समस्त विश्व हमारा परिवार है, हमारे भाई बंधु हैं, हम उस प्रथा को स्वीकार करेंगे। गांधी जी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, कट्टर हिंदू, लेकिन गांधी जी के हे राम से दूसरे धर्मों के लोग भयभीत नहीं होते थे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ, इनका टी सिंह राजा है आंध्र तेलंगाना का विधायक, कहा बुलडोजर, अरे जूते जूते तुमको मारेंगे, जूते जूते विधायक है, विधायक जूते, अरे विधायक है, मिल जाए पटक करके घुटना रख दूंगा, तरबूज के तरह से फट जाएगा, हमारे देश का माहौल खराब करेगा, हमारे देश के भाईचारा, हमारे देश के गंगा जमुनी तहजीब को खराब करेगा। किसी को कोई अधिकार नहीं है, आप किसी धर्म के खिलाफ आप पाना तलब नहीं बोल सकते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं किसी भगवा के खिलाफ या किसी जय श्री राम के नारे के खिलाफ? आप जय श्री राम, देखिए पहले डाकू हमारे देश के चंबल उम्बल के थे, कहते थे जय भवानी, और जय भवानी करके डकैती डालते थे, और भाजपा वाले जय श्री राम कह करके मामलिंचिंग करते हैं, मंदिर गिराते हैं, मस्जिद गिराते हैं, मकबरे गिराते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं जो जय श्री राम बोले वो भाजपा का बंदा? हाँ ये कहां तक सही है, जय श्री राम भी बोलते हैं। सीताराम बीज मंत्र है, सीताराम सीताराम, आप सीताराम बोले मैं जय श्री राम बोलूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ तो भाजपा का बंदा हो गया? भैया जय श्री राम गुंडे मवालियों की भाषा, हाँ मैं इसे कतई नहीं मानता। आप मानो न मानो लेकिन हम मानते हैं जय श्री राम, हम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता। जय श्री राम का मतलब क्या होता है? काहे ने मंदिर बनवा दिए?
काहे विकास के मुद्दे पर नहीं आ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो उत्तर प्रदेश, पंजाब या मणिपुर या गोवा या उत्तराखंड? आप हिजाब को ले आते बीच में, जब जब आप लोग हिजाब को ले आते हैं, विकास के मुद्दे पे लड़ रहे थे, आपने हिजाब बीच में घुसा दिया कर्नाटक में। हमने नहीं घुसाया, बीजेपी ने घुसाया। बीजेपी अपनी सरकार को कौन बदनाम करना चाहिए? कर्नाटक में तो बीजेपी ऑलरेडी है ही। बीजेपी वाले जहाँ हैं, यूपी चुनाव जीतना इनका मकसद है और सातवें चरण जाते जाते बीजेपी दंगा फसाद कराई। अच्छा, जान लीजिए भविष्यवाणी अब सुन ली, चुनाव से पहले। हाँ, चुनाव से पहले तो जीत ही रहे हूँ। कहाँ जीत रहे हैं? अगर जीत रहे हैं इनके एमपी, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता, कुटाई प्रोग्राम क्यों चल रहा है? बदनाम कर रहे आप लोग? मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं के चैनल वाले दिखा रहे हैं। तो आप कार्यकर्ता भेज रहे हैं ना? अरे हम कार्यकर्ता कहाँ भेजेंगे, पब्लिक कूट रही है। अरे देखिए, राहुल जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था, इस देश की जनता हिसाब लेना जानती है। इस देश की जनता ने जब खड़ी हो गई तो अंग्रेजों को सात समुंदर पार उठा के फेंक दिया। तुम्हारी औकात क्या है संगियों? बीजेपी वालों, तुम्हारी औकात क्या है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण इनसे नाराज है, दलित नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, और छात्र नाराज है, बेरोजगार नौजवान नाराज है, तुमको वोट कौन दे रहा है भैया? अब आखिर में आप ये बताएं, देश में हिसाब की बात होगी या हिसाब की बात होगी या फिर शिक्षा की बात होगी? जिस देश में शिक्षा, बेरोजगारी कैसे समाप्त हो, किसानों की आय कैसे दुगनी हो, डिस्कस का मुद्दा ये होना चाहिए। योगी जी ने बयान दिया था हिजाब को लेकर के, उन्होंने कहा है हिजाब लड़की को ढक्के रखता है, उसको घुटन के हमें उससे निजात दिलाना चाहते हैं। अच्छा, हमारे वहाँ सनातन धर्म की महिलाएं घूंघट करती हैं, उसमें घुटन नहीं होती है। राजस्थान में तो उसमें बच्चा थोड़ी ना करती हैं, आप तो छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाते हैं। अरे भैया सुनते जाइए, चाहे जवान हो या बच्ची हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये कोई डिस्कस का मुद्दा नहीं है। कहीं घुटन महसूस नहीं होती है शुरू से? पहले हम लोग नहीं लगाते थे भैया हिजाब, मास्क नहीं लगाते थे, अब मास्क लगाना पड़ रहा मजबूरी में। इसमें घुटन नहीं होती है? कोई दमा का पेशेंट हो, नहीं लगाओगे 2000 रुपये चालान भरो जी, ये तो सरेआम गुंडई है कि नहीं है? तो बीमारी से बचा रहे हैं, बीमारी से बचा रहे हैं। तो जब इस देश का साधु महात्मा झूठा बोलने पर उतारू हो जाएगा, गंगा में तैरती हुई लाशों का हिसाब नहीं देगा, हॉस्पिटल में घोटालेबाजी होगी, अभी सरकार जाने दीजिए इनके घोटालों की वो पोल खुलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।